हेलो एवरीवन, लेट्स कुक दैट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट खीर, जिसके लिए हमने लिया है 50 ग्राम चीनी, 2 चम्मच देसी घी, 150 ग्राम छोटे वाले चावल जिसको हमने पहले से ही धो के रखे हैं, इलायची स्वाद अनुसार, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जिसको हमने पहले से ही इस तरीके से क्रस्ट करके रखा है, 1 कप दूध और 1 कप पानी। अब हमने एक मीडियम साइज्ड पॉट लिया है जिसमें हम 1 ग्लास पानी डालेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। जब ये बराबर उबल जाएगा तब हम इसमें चावल डाल देंगे। ये देखिए, अब पानी में बराबर उबल आ चुका है। अब हम इनमें अपना ये पहले से ही धोया हुआ चावल डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। जब ये थोड़ा पक जाएगा उसके बाद हम इसमें चीनी और मिल्क ऐड करेंगे। ये देखिए, अब हमारा ये चावल आधा पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप दूध मिलाएंगे। देखिए, इस तरीके से दूध मिला लिया। इसमें हमने जो चीनी ली थी वो भी डाल देंगे। अब इस तरीके से और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे ताकि ये सब अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए, अब हमारी ये खीर लगभग बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी इसलिए ताकि ये नीचे से चिपके ना और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब ये खीर लगभग बन के रेडी हो चुकी है, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे ताकि टेस्ट अच्छा आए और अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ये देखिए, हमारी स्वादिष्ट खीर तैयार हो चुकी है। हमने इसे ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग किया है और ये काफ़ी क्विक और इजी रेसिपी है। ऐसे ही मेरी नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।